हेलो एवरीवन, आई एम अमीना। और अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 का डेफोडिल बुक से इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट 3 ए सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। यस, सियाचिन ये एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये सियाचिन की का फोटो है। इस जगह पर पूरा बर्फ ही बर्फ रहता है चारों तरफ। आपकी नज़र जितनी दूर जा सकती है, सिर्फ आपको सफ़ेद चादर से हर एक पहाड़ पर्वत ढके हुए दिखेंगे। यहाँ पर पेड़ पौधों का एक भी नामो निशान नहीं है। फिर भी इस जगह को द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप अगर इस सियाचिन ग्लेशियर से नीचे आएंगे, तो वहाँ पर आपको बहुतायत मात्रा में रोज़ वहाँ पर बहुत सारे बहुतायत मात्रा में आपको खिले हुए दिखेंगे। तो इसलिए इस जगह को द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस, और इसीलिए ही इस जगह का नाम पड़ा सियाचिन। तो अभी हम लोग कुछ शब्द देख लेते हैं और इन शब्दों के मीनिंग भी जान लेते हैं। जैसे लॉयल्टी, इट मीन्स ईमानदारी, ड्यूटी, कर्तव्य कि हमारा काम है ना, रिस्पेक्ट यानी सम्मान करना, आदर देना। नेक्स्ट वर्ड इज सेक्रीफाइस, जिसका अर्थ है त्याग, त्याग करना, बलिदान करना। नेक्स्ट वर्ड इज सर्विस, और इसका मीनिंग है सेवा। तो बच्चों, टेल मी कि आप जब इन शब्दों को पढ़ने के बाद, जानने के बाद, आपके दिमाग में कौन सा पिक्चर उभर करके आ रहा है? यस ऑफ कोर्स, अ सोल्जर। हमें सोल्जर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें उन्हें आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोल्जर ही हमारे देश की सीमा पर दिन रात तैनात रहते हैं, ताकि हम लोग अपने घरों पर चैन की नींद, आराम की नींद हम लोग सो पाएं। तो यही वो सोल्जर्स हैं जो सियाचिन, जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, पेड़ पौधे नहीं हैं, इट मीन्स वहाँ पर लाइफ संभव नहीं है ऑफ कोर्स। तो वैसे जगहों पर भी हमारे सैनिकों को, हमारे देश के सैनिकों को तैनात रहना पड़ता है। लेकिन क्यों? जिस जगह का टेम्परेचर -degree Celsius में आता है, वैसी जगहों पर सैनिकों को पोस्ट क्यों किया जाता है? तो चलिए इसके बारे में ही हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। और आप लोग थोड़ा सा देखिए कि सियाचिन का व्यू कैसा होता है, पहाड़ पर्वत चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, और नीचे आने के बाद ये आपको दिखेंगे गुलाब के पौधे, फूल, ब्यूटीफुल प्लेस, इजंट इट? तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। आप सभी भी अपनी बुक्स निकालिए और उसे लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़िए, समझिए। देखिए, द नेम सियाचिन रेफर्स टू अ लैंड विथ एन अबंडेंस ऑफ रोजेस। सियाचिन नाम एक ऐसी ज़मीन की ओर इशारा करती है जहाँ पर बहुतायत मात्रा में रोजेस, गुलाब पाए जाते हैं। सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज रेफर्स टू द रोज फैमिली प्लांट वाइडली फाउंड इन द रीजन। सिया जो शब्द है, ये शब्द आया है बाल्टी लैंग्वेज से। ये भाषा जम्मू एंड कश्मीर में बाल्टी समुदाय के लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। रोज़ को कहते हैं बाल्टी लैंग्वेज में। एंड चुन रेफर्स टू एनीथिंग फाउंड इन अबंडेंस, और चुन यानी कि होता है कुछ भी चीज़ जो बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। तो सियाचिन नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर बहुतायत मात्रा में क्या पाए जाते हैं, गुलाब पाए जाते हैं। यस, एंड इन स्पाइट ऑफ द सीवियर क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, यहाँ पर रहना मुश्किल है। द वर्ड सियाचिन आयरोनिकली मीन्स द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। तो फिर भी यहाँ पर इस जगह में बहुत सारे वाइल्ड रोजेस पाए जाते हैं, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा सियाचिन। इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5,753 meters एंड इन फीट 18,875 feet above sea level। तो
इस जगह का सियाचिन का हाइट, इसकी ऊंचाई सी लेवल से कितनी है। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग जानेंगे, एक बात और कि सी लेवल इस पूरे पृथ्वी में किसी भी जगह का हाइट नापने के लिए सी लेवल का ही यूज़ करते हैं। वाई? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है, और पृथ्वी की सतह पर ऐसा कोई भी ज़मीन या ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो बिल्कुल सपाट हो, एक समान हो। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने खोजा, ढूंढा कि क्या किया जाए। तब उन्होंने देखा कि समुद्र तल ही एक ऐसी जगह है जहाँ बिल्कुल एक समान, एक सपाट, बिल्कुल एक स्केल की तरह वहाँ का लेवल रहता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ का जो पानी के अंदर ये ज़मीन कुछ इस तरह का है, और नेक्स्ट पिक्चर में देखिए ये ज़मीन कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। इवन देन पानी का जो लेवल है वो बिल्कुल एक समान है। दैट्स वाई साइंटिस्ट ने सी लेवल से ही हर एक हाइट को नापा जाता है। एंड ये जो सियाचिन है इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयाज। हिमालयाज के काराकोरम रेंज में ये सियाचिन ग्लेशियर ही सबसे लंबा ग्लेशियर है, यानी हिम नदी, जो पहाड़ पर्वत, हिम के बड़े बड़े पहाड़, हिम वहाँ का पूरा नदी ही पूरा हिम बर्फ बन जाती है। हिम की नदी है ना। एंड इट इज़ लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स। अब हम लोग इस सियाचिन ग्लेशियर का लोकेशन हम लोग देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है। इस मैप में देखिए कि ये है आपका भारत पाकिस्तान, ये जो लाइट क्रीम कलर का प्लेस देख रहे हैं है ना, ये अभी ये उस समय पाकिस्तान के हिस्से में था, और ये येलो में जो देख रहे हैं ये इंडिया, और ये जो रेड कलर का लाइन आप बीच में देख रहे हैं यही है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल की। ये वाला पोर्शन ऊपर का ये पाकिस्तान की सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ये वाला हिस्सा हमारे देश भारत के द्वारा। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल जिस जगह पर ख़त्म होता है, यहाँ पर देखिए तो ये जो ब्लू में आप लोग ये ट्रायंगल शेप में देख रहे हैं ये यही है जगह सियाचिन। ये इसका एक पार्ट पाकिस्तान में है, एक पार्ट भारत की ओर ओपन है, और एक छोटा सा पार्ट इधर चाइना की ओर ओपन है। ओके, तो यही है लाइन ऑफ कंट्रोल, दैट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स। द टर्म लाइन ऑफ कंट्रोल इज द लाइन दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड अपॉन फॉर डिवीज़न ऑफ कश्मीर सिंस 1972। यस, जैसा आप लोगों ने इस मैप में देखा कि सिंस 1972 से कश्मीर का डिवीज़न हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच इस लाइन ऑफ कंट्रोल से ही, है ना। एंड द वन साइड इज़ कंट्रोल्ड बाय इंडिया, एक साइड भारत देश से कंट्रोल किया जाता है, और दूसरे साइड बाय पाकिस्तान। देन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्लेम अथॉरिटी ओवर द एंटायर सियाचिन रीजन। तो अब दोनों, भारत और पाकिस्तान, दोनों ही अपना अधिकार सियाचिन के क्षेत्र पर जमाते हैं। बट बिटवीन 1984 एंड 1999, लेकिन 1984 से 1999 तक फ्रीक्वेंट फाइटिंग टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू टेक कंट्रोल ऑफ द रीजन। और इस सियाचिन क्षेत्र पर अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए 1984 से 1999 तक लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में फाइटिंग होता रहा। सियाचिन ग्लेशियर विथ ऑल मेजर पासेस, सियाचिन
ग्लेशियर, जो आप लोग ये जो देखे हैं ये ब्लू रंग का पार्ट, इसका पूरा जो मेजर पास जहाँ से आया जाया इस ग्लेशियर में, जहाँ से आया जाया जा सकता है, वो पार्ट is currently under the administration of India since 1984. तो 1984 से वो पार्ट भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख. और कुछ पार्ट ले, देखिए ये ले है लद्दाख, है ना, ले डिस्ट्रिक्ट लद्दाख के पार्ट में आता है. वाइल जबकि पाकिस्तान कंट्रोल्स द रीजन वेस्ट ऑफ सल्तोरो रिज, लेकिन पाकिस्तान अभी सिर्फ सल्तोरो रिज पर ही उसका कंट्रोल है. इंडिया हैज़ ऑल्सो बिल्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेलीपैड ऑन दिस ग्लेशियर. देखिए तभी से हम लोग बात कर रहे हैं कि ये ग्लेशियर क्या है. देखिए ये पहाड़ है, ये भी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है, है ना. और नीचे जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं ये नदी का है, लेकिन ये भी अभी पूरी तरह से बर्फ़ से जम गया है. तो वहाँ का टेम्परेचर इतना लो है कि कुछ भी चीज़ का वहाँ पर जो तरल पदार्थ वाले चीज़ें, सिर्फ केरोसिन और रम को छोड़ करके बाकी सारा चीज़ वहाँ पर कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है. और इंडिया हैज़ ऑल्सो बिल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेलीपैड ऑन दिस ग्लेशियर. तो इंडिया ने इस जगह पर वर्ल्ड का सबसे ऊंचा हेलीपैड भी बनाया है इस हिमनदी पर, एट अ प्लेस कॉल्ड सोनम. और उस जगह को नाम दिया है सोनम, विच इज़ 21,000 फीट अबव द सी लेवल, जो कि समुद्र स्तर से 21,000 फीट के ऊंचाई पर है. इन 1984 में इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन मेघदूत. ये एक ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया, मेघदूत, अ मिलिट्री ऑपरेशन दैट गेव इंडिया कंट्रोल ओवर ऑल द सियाचिन ग्लेशियर. तो ये एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन था जिसके बाद ये पूरा सियाचिन रीजन पर भारत का ही कब्जा रहा. एंड इंक्लूडिंग इट्स ट्रिब्यूटरीज अंडर ऑपरेशन मेघदूत, इंडियन ट्रूप्स टुक प्रायर एक्शन एंड द कुमाऊं रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी एज वेल एज द इंडियन एयरफोर्स वेंट इनटू द ग्लेशियर जस्ट अ डे बिफोर पाकिस्तान्स ऑपरेशन अबाबील. तो यहाँ पर अंडर ऑपरेशन मेघदूत, ये मेघदूत ऑपरेशन क्या था, इंडियन ट्रूप्स टुक प्रायर एक्शन, इंडियन ट्रूप ने अपना वो पहले से ही एक्शन उन्होंने ले लिया था. एंड द कुमाऊं रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, कुमाऊं रेजिमेंट इंडियन आर्मी का एज वेल एज इंडियन एयरफोर्स, ये सब मिल करके वेंट इनटू द ग्लेशियर, ये सब सियाचिन ग्लेशियर पर पहुँचे जस्ट अ डे बिफोर पाकिस्तान्स ऑपरेशन अबाबिल. तो पाकिस्तान भी सियाचिन पर अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए एक ऑपरेशन उन्होंने चलाया था अबाबील, और भारत का था मेघदूत. यस, तो ठीक पाकिस्तान जब यहाँ सियाचिन में कब्जा करने वाले थे अपना अबाबील ऑपरेशन के तहत, ठीक उसके एक दिन पहले इंडियन एयरफोर्स, कुमाऊं रेजिमेंट, ये सारे मिल करके एक दिन पहले ही यहाँ पर पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर आ करके अपना कब्जा इन्होंने जमा लिया था. टू ऑक्युपाई मोस्ट ऑफ द डोमिनेटिंग हाइट्स ऑन सल्तोरो रिज,
अब देखिए ये है आपका सलतोरो रिज, ये जो पाकिस्तान के एरिया में आता है, और ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये हिस्सा है आपका हमारा भारत का, और ये हिस्सा आता है चीन की ओर। तो पाकिस्तान का जो हिस्सा होता है ये सलतोरो रिज, यहाँ पर लिखा है देखिए, इंडियन आर्मी होल्ड्स दिस लाइन, विड्रॉल इज बीइंग डिस्कस्ड फ्रॉम दिस लाइन, यहाँ से ही इसका हिस्सा हुआ। ओके, तो अब है क्या कि सियाचिन रीजन का मोस्टली डोमिनेटिंग प्लेसेस, डोमिनेटिंग प्लेस यहाँ पर किसको कहा जा रहा है? वैसा ऊंचाई वाला प्लेस जहाँ पर से वो लोग आसानी से अपने दुश्मनों पर नज़र रख सके, क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल, नीचे से आप लोग अगर ऊपर से किसी पर हमला करेंगे तो वो ज़्यादा आसान होगा कि ऊपर की ओर से नीचे पर किसी से हमला करेंगे किसी पे, तो वो ज़्यादा आसान होगा ऑफ कोर्स ऊंचाई से। इसीलिए इसके ज़्यादातर डोमिनेटिंग प्लेसेस पर हमारे देश का ही कब्जा है। देन अब देखिए, नॉट ऑल सोल्जर्स डाई हियर ऑफ एनिमी एक्शन, यहाँ पर सोल्जर्स मरते हैं लेकिन एनिमी एक्शन से नहीं, क्योंकि यहाँ पर लड़ाइयाँ हुई हैं और सोल्जर्स की मृत्यु भी हुई है, बट उससे ज़्यादा सम डाई बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट, कुछ सैनिक मर जाते हैं ब्लड क्लॉट से ही, खून का जमना। इतना ठंड होता है कि खून भी लोगों का ब्लड क्लॉट हो जाता है इन द लंग्स, उनके फेफड़ों में, कॉज्ड बाय द थिन एयर ऑन द हाई माउंटेन्स। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो हवा का दबाव बढ़ता है, और ऊपर से वहाँ ठंड भी इतनी अधिक है कि उन लोगों का लंग्स में ब्लड क्लॉट हो जाता है ऑन एन एवरेज, और लमसम में वन इंडियन सोल्जर इज किल्ड एवरी अदर डे ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। तो हर 2 दिन में एक इंडियन सोल्जर यहाँ का निर्दयी, यहाँ का कठोर मौसम के कारण मारा जाता है। द सोल्जर्स कॉल इट जनरल ग्लेशियर, तो सोल्जर्स इसको कहते हैं जनरल ग्लेशियर, द जनरल्स कॉल इट अ प्रेस्टीज इशू। फिर भी अब इस चीज़ को भी जनरल्स, वहाँ के सैनिक इसको प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा का विषय इसको मानते हैं, इस तरह की मौत को। वाई दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स बिकॉज दे लव देयर कंट्री, तो ये लोग अपने लाइफ का बलिदान, अपने लाइफ का त्याग करते हैं। वाई, क्योंकि ये सभी अपने कंट्री को प्यार करते हैं, एंड वॉन्ट टू कीप हर बॉर्डर्स इंटैक्ट, और हमारे देश का, हमारे कंट्री का पूरा सीमा को ये चाहते हैं कि सही सलामत रहे, इसीलिए वो लोग दिन रात वहाँ पर सेवा में, हमारे देश की मातृभूमि की सेवा में तैनात रहते हैं। द सोल्जर्स गैदर्ड राउंड द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर कॉमरेड ऑन द बैंक ऑफ द फ्रोजन नुब्रा रिवर, और जो भी सोल्जर का, जैसे यहाँ पर ठंड के कारण, यहाँ का कठोर मौसम के कारण, और एक्सट्रीमली वेदर कंडीशन के कारण जो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन लोगों को फ्यूनरल, उनकी अंतिम संस्कार के लिए उनकी चिता, पायर यानी चिता का अंतिम संस्कार कहाँ पर होता है? नुब्रा रिवर में। अब ये कहाँ है देखिए, ये है नुब्रा रिवर, ये नदी है, तो ये यहाँ पर, ये नदी तो है लेकिन इसका पानी बहता नहीं है, क्या है ये, यहाँ का इतना मौसम, यहाँ का ठंड है कि ये भी फ्रोजन रहता है, जमा हुआ रहता है, तो इस नदी पर ही इनका अंतिम संस्कार होता है। एंड इज़ अ फैमिलियर साइट, और जिस तरह से परिवार वाले अपने लोगों का मरने के बाद अंतिम संस्कार करते हैं, ठीक उसी तरह से भी यहाँ पर भी सोल्जर्स भी अपने कॉमरेड्स
कॉमरेड साथी सोल्जर्स का अंतिम संस्कार बिल्कुल उसी तरह से करते हैं, फाइटिंग बैक द आइसी विंड्स और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के बाद इनको वहाँ का बिल्कुल चिल्ड बिल्कुल ठंडा हवा से भी लड़ना पड़ता है, दैट स्टिंग द फेस लाइक थॉर्न्स, और वो सोल्जर्स के फेस में चुभता है गड़ता है बिल्कुल कांटों की तरह, दे कम टू पे देयर लास्ट रेस्पेक्ट्स टू वन ऑफ द सियाचिन वॉरियर्स, वो लोग सभी कोई बाहर आते हैं अपने सियाचिन के वीर योद्धाओं को सम्मान देने के लिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अभी इसके बाद का जो भी स्टोरीज़ है जो पार्ट है वो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, थैंक यू सो मच।